देश में एक तरफ तो पुलिस कोरोना के चलते लोगों को समझाने में लगी हुई है, रात दिन सड़कों पर खड़ी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गौ तस्करों ने भी पुलिस को परेशान किया हुआ है। खबर यूपी के अमरोहा की, जहां पर रात का फायदा उठाकर कुछ गौ तस्कर तस्करी करना चाहते थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते ये तस्कर कामयाब नहीं हो सके। अमरोहा के एसपी विपिन टांडा का कहना है कि हमें इनकी खबर मिली थी कि कुछ लोग गौ तस्करी कर रहे हैं। खबर के मुताबिक उनकी घेराबंदी की गई, उसके बाद इन लोगों ने पुलिस पर हमला किया। थाना नौगावा की पुलिस को सूचना मिली कि एक जंगल में गौकशी की जा रही है, जिस पर उन्होंने घेराबंदी करते हुए आगे बढ़े और इस पर जो गौकशी करने वाले लोग हैं उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्यवाही में एक व्यक्ति को गोली लगी है और उसके साथी फरार हैं, जिनकी की कॉम्बिंग की जा रही है। जो व्यक्ति घायल है उसको तत्काल अस्पताल लाया गया है, उसका इलाज करवाया जा रहा है और आगे कॉम्बिंग कर दूसरे उसके सहअभियुक्तों को गिरफ्तार करने की पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी जी इनके पास से तमंचे मिले हैं, पशु वध करने के सामान मिले हैं और अन्य सामग्री मिली है, तराजू वगैरह मिले हैं जो मौके पर बरामद हुई है और अभी तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में एक तस्कर को गोली लगी जबकि बाकी लोग भागने में कामयाब रहे। पुलिस उनको पकड़ने के लिए छानबीन कर रही। पुलिस ने इन लोगों के पास से कई तरह के सामान भी बरामद किए हैं।